गुजरात उपकूल को माड़ आसुची महाबात्या विपर्जय महाबात्या जिते जिते स्थलभाग निकट होते सेते यार प्रभाव अनुभूत होपराह चारिटू पांचटा मध्य कच्छ जिलार जखर लैंडफल कर बात्या एथिपाई पखापाखि 74,000 रु अधिक लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर आलर्ट रही गुजरात और केन्द्र सरकार गुजरात में 17 एनडीआरएफ और 12 एसडीआरएफ टी मुतयन होती सेपरी नौसेनार 4 जहाज स्टैंडबाय रही पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्य में बात्या विपर्यर प्रभाव रहा गुजरात उपकूल में लैंडफल होगा बात्या विपर्यर बेग घंटा प्रति 150 किलोमीटर पर्यंत रहीपर यह पूर्व अशांत हो पड़ी गुजरात उपकूल बड़ बड़ लहड़ी सांग को बहुत तीव्र बेगर पवन तांग को मझे मझे बर्षार तांडव देखापी मिली समय बीतवा सहित तो समुद्र अधिक भयंकर रूप धारण कर लगी गुजरात में 7 जिला को हाई आलर्ट रखा जा बात्या विपर्यय को नहीं आलर्ट मोड अच्छा उभय केन्द्र और गुजरात सरकार सबुठ अधिक प्रभावित होगा कच्छ में 4 द्वारका और राजकोट में 3 एनडीआरएफ टीम वर्तमान मुतयन रही जैसे 125 केएमपीएस 35 केएमपीएस अभी विंड स्पीड चल रहा है हम बोल रहे हैं कि जब ये कोस्ट को हीट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115-125 किलोमीटर पर आवर होगा मगर जो मूवमेंट का जो स्पीड है ये आगे बढ़ेगी धीरे धीरे बढ़ेगी और आज शाम और रात के बीच में लैंडफॉल प्रोसेस इसका होगा और इसके बाद लैंडफॉल के बाद ये धीरे धीरे वीक होकर कल सुबह तक सौराष्ट्र के अंदरूनी जिले में विंड स्पीड 70-80 केएमपीएस हो जाएगा हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है और इसके साथ साथ वहाँ विंड स्पीड भी जैसे मैं बताया कि आज रात को 80-90 केएमपीएस विंड स्पीड हो सकता है और कल सुबह तक ये 70-80 केएमपीएस विंड स्पीड होगा 16 तारीख सुबह इसका विंड स्पीड 60-70 केएमपीएस तक हो सकता है साउथ राजस्थान एरिया में और टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वार्निंग हम दिए हैं 16 तारीख के लिए और 17 तारीख के लिए साउथ राजस्थान और साउथ ईस्ट राजस्थान के लिए तो अधिक अपडेट में आम सूरत प्रतिनिधि राजेश पाढ़ी फोनलाइन जोड़ी जे वर्तमान स्थिति कौन रही खास करके जिते समय पाखे आसुची समुद्र रे लहड़ी कथा कहतु पवन एवं वर्षा मध्य बढ़ुची वर्तमान स्थिति सेठार कौन रही देखो कहलाकांत वर्तमान जो स्थिति कथा जी कह तो बाबाजोड़ जो आम रही चक्रवात तोफान रही जखो बंदर 180 किलोमीटर दूर रही द्वारकार 210 दिल्ली 210 पोरबंदर 290 किलोमीटर दूर से वर्तमान रही जो चक्रवात देखे कहले घंटा प्रति 6 किलोमीटर बेगरे